और भाई बात होने लगी है लॉरेंस बिश्नोई की, जिनके बेहद फैंस हैं। आई डोंट नो, मतलब वो एक जेल में इंसान बैठा हुआ है और कैसे उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, लोग पागल हो जाते हैं उनकी वीडियोस देख के। जलवा है हमारा गाइस, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इसके फैन है, ठीक है। ऑल्दो कि ये एक गैंगस्टर है, लेकिन लुकिंग वाइज भाई ये हीरो लगता है। ना मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा था उनकी हिस्ट्री और जिस तरह से वो करते हैं, लाइक वो किस तरह से जानवरों को करते हैं प्रेज, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। ओके, काफी ज्यादा जो लोग हैं ना वो लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं। अगर देखें तो यार इसे खुले आम सुलेमान खान को भी धमकी दे दी। यार नहीं है, सुलेमान खान कोई छोटा बंदा नहीं है, बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी। तो ये मैंने देखा कि कत्ल कहीं भी करवाए, बंदूक के पाकिस्तान से ले जाए, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। सलमान खान तो भाई मूवीज के अंदर हीरो है, ये थोड़ा रियल लाइफ का हीरो बन चुका है और गैंगस्टर भी है प्लस। और बहुत सारी लड़कियां यार इसके पीछे भाई, इसके ऊपर फ्लैट है, मतलब लाइक एक ड्रीम बॉय होता ना लड़कियों का, वो बन। मैं तो कहता हूँ इन सारी पाकिस्तानी लड़कियों को अपने बोरिया बिस्तर समेटे और सीधे गुजरात जेल में पहुंच जाए, लॉरेंस बिश्नोई को छुड़वाने के लिए भूख हड़ताल करे जेल के सामने। कौन, लॉरेंस बिश्नोई? हाँ ठीक है, जेल में बैठे बैठे तरह इन खालिस्तानियों को चमकाना। यूके के हाई कमीशन के बारे में बहुत ही देखना, ठीक है मेरे सामने देखो आ रहे हैं तुम्हारे पापा जेल में सेट कर रहे हैं। हमें आइडिया पाकिस्तानियों को इतना था कि वो जो है ना वो आई थिंक गैंगस्टर हैं या उनका थोड़ा सा उस तरह का वो है कि वो भाई लोग टाइप है, लेकिन मुझे अब पता लगा कि वो तो इतने अच्छे इंसान है कि वो जो है वो जानवरों के लिए, जो डियर जो है, जो जिनको उनके एक स्पेसिफिक वो होती है कोई स्पीशी है, उनके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं। इवन जो अगर उनकी हिस्ट्री में जाए, बिश्नोई वहाँ पे एक स्पेशल एक मंदिर है, वहाँ पे जाके माफी मांग ले, हम इसको माफ कर देंगे। तो इतने बड़े सेलिब्रिटी को धमकी देना तो यार ये आम बात तो हो नहीं सकती। दूसरा, ये पूरे गैंग को लीड करते हैं, पता है कहाँ से लीड करते हैं? जेल के अंदर से। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, भैया लॉरेंस बिश्नोई का खोप तो गद्दारों के सर पे चढ़ के नाच रहा है, वो तो मुंह छुपाए फिर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। वैसे अभी तक तो आपको पता चल गया है कि पाकिस्तान की कमसिन कलिया मोमिना है लॉरेंस भाई की दीवानी हो गई है। कितनी बड़ी बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? और उनकी शान में एक से एक कसीदे घड़े जा रही है। किसी के प्रोपेगेंडे को फरोग देते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। आप में से काफी भाई लोगों ने कहा था भाई पाकिस्तानी लड़कियों का क्या रिएक्शन है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है, तो आप जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। आपके दिल की बात मैं कर रही। तो आपका भाई है किसके लिए? आपकी सेवा के लिए है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते? अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ठीक है। डेंजरस एटीट्यूड यार, सीरियसली मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड होती हूँ कॉन्फिडेंट लेवल पे। यार इतना कॉन्फिडेंट किसी के पास मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में, के ना इस तरह से बैठा बंदा जो है रियलिटी में, मतलब ऐसे हो जाता है बंदा किसी मूवीज वगैरह में देख लेते हैं कितना कॉन्फिडेंट है कि मीडिया के सामने कह दो भाई, लेकिन खुलेआम एक दफा नहीं हजार दफा ही बंदा कह चुके हैं कि सलमान खान को मैंने मारना है। और वो और मेजर साहब जो इसकी वो करते हैं ना, मेजर साहब जब ये कह रहे हैं तो बस बात ही खत्म। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडिया के हैं
और इनके बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती है कि ये सलमान खान को जो है वो उनकी सुपारी लेते हैं, उनको मारना चाहते हैं, और भी बहुत ज्यादा जो है वो एक्टर और एक्ट्रेसेस के पीछे लगे हुए हैं, उनको मारना चाहते हैं, और ये कोई बहुत बड़े गैंगस्टर है। तो इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि क्या सच में ये इस तरह के ही है जैसे बताया जा रहा है, और सिद्धू मूसेवाले को मारने के अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा इनका जो है वो हाथ था, नाम था। फैसल क्या ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला, उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिद्धू मूसेवाले को छोड़े, आप बाबा सिद्दीकी की बात करें, फिर भी किसी की मजाल नहीं है, उनसे फोन जाके ले ले, लाइक अगर वो फोन यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन रुकवा दे, शायद मतलब वाकई में वो इतना डेंजरस है और वो ये कर भी सकते हैं, जो भी खालिस्तानी मतलब उनसे इतना डरते हैं। और मुझे ना वो वाली क्लिप बड़ी वो लगी कि अच्छा रिकॉर्डिंग कर लो तुम्हें केस करने में आसानी होगी, मतलब ये तो बिल्कुल किसी मूवी वगैरह से मोटिवेट होके बंदा जो है ना वो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, वो तो उसकी तो अपनी ही दुनिया, उसको किसी से कोई भाई तो नहीं। जो जैसे ना नरेश बिश्नोई कह रहे थे कि ना बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई पता नहीं रहता अपनी दुनिया में, तो सेम वही है भाई, उनका जो है ना एक ही है कि किसी से डरना झुकना नहीं है, डरा के रखना है। और ये सोचने वाली बात है, इतने बड़े स्टार को, इंडस्ट्री में इतना नाम है, उनको इतना डरा के और इतना दबाव में रखा हुआ है, तो बाकी और बाकी आवाम का वैसे कोई पंगा ले तो फिर वो फिर सोच ले। लास्ट टाइम भी जैसे विजय साहब कह रहे थे ना, अभी तो वो फोन मिला के ना, लेकिन लास्ट वाली क्लिप जो थी ना वो जबरदस्त थी, जेल में बैठे बैठे ये कहता आ रहा तुम्हारे बुहारे, वो बहुत मजा आया देखकर, हमें तो अच्छा लगा। कभी कभी तो मैं भी ये सोच के हैरान हो जाता हूँ कि गैंगस्टर के लोग इतने दीवाने कैसे हो जाते हैं यार, पता नहीं क्या होता है गैंगस्टर में, क्या अट्रैक्शन होता है कि मतलब लड़के तो होते ही होते दीवाने, वो भी भाई बनना चाहते हैं उनकी जैसे, और लड़कियों का अलग ही चल रहा होता है। उनकी जो मदर थी वो भी एजुकेटेड थी और फादर जो थे वो आई थिंक पुलिस में थे, तो उसके बाद भी उन्होंने और वो एजुकेटेड है, वो ये लॉरेंस बिश्नोई एजुकेटेड है। और मैं मतलब देख रही थी कि किस तरह से मतलब जेल में रहते हुए वो पूरा चला रहे हैं, और ये सिद्धू मूसा वाला जो ये था, अच्छा मुझे एक्चुअली मुझे ये लगा था कि सिद्धू मूसा वाले की ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही होती थी, और जितने भी ये जो सिख वगैरह सिंगर्स हैं इनकी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चल रही होती थी, तो ये हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता था कि ये आखिर आपस में क्या कन्फ्लिक्ट है, किस चीज का कन्फ्लिक्ट है। तो ये वाला जो था ना कि सिद्धू मूसे का इनके साथ लिंक है, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन जब वो सिद्धू मूसा वाले की डेथ हुई थी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये मैंने करवाया, अच्छा मैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया था फेसबुक पे, जैसे वो कह रहे हैं ना कि वो हर चीज हर काम करके फेसबुक पे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इतना बड़ा इशू था, उन्होंने 27 साल इस पे सबर किया है। विष्णु समाज ने देखे ना, यहाँ पे कोई भी इशू हो, किसी भी धर्म को आप चेक कर ले, अगर आप उसके धर्म को छेड़ेंगे तो वो आप पे रिएक्ट फौरन करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, साल में करेगा, 6 महीने में करेगा, मगर वो 27 साल से हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए, मगर उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब उनका एक बच्चा जवान हो गया है, ठीक है, अब लॉरेंस, ठीक है, अब देखे ना उस, अब वो ये जो मर्जी कहें जी वो गैंगस्टर है या कुछ भी है, मगर जब हक पे खड़ा होता है, अपने दीन के लिए कोई खड़ा होता है वो गैंगस्टर नहीं होता। जो भी अपने दीन के लिए खड़ा होता है वो गैंगस्टर नहीं होता। मेरा ख्याल है, देखें इस बात का अभी इतना बड़ा इशू इंडिया में, हिंदुस्तान में बना हुआ है, मुझे इसलिए फिक्र है कि वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे सिख भी, ईसाई भी, हिंदुस्तान इस टाइम बहुत तरक्की कर रहा है, हम उस पर खुश हैं कि अल्लाह पाक इनको, क्योंकि देखें आपका कोई हमसाया, आपका नेबर अच्छा होगा तो आपके आपको खाम खा उसका कोई एडवांटेज होगा। ठीक है, अगर वहाँ अभी विवाद लग जाए, जंग लग जाए, तो उसका एक धुआं जो निकलेगा वो हमें ही नुकसान करेगा। ठीक है, वो मतलब आप क्या कह रही है कि अगर बिश्नोई समाज को इंसाफ ना मिला तो दंगा भी भड़क सकता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो है जेल के अंदर है, लेकिन सलमान खान को जिस तरह से थ्रेट्स मिलते हैं, जो बाबा सिद्दीकी हैं उनका जिस तरह से किलिंग हो जाती है, बिश्नोई समाज इस वक्त इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि वो ब्लैक हिरन वाला जो केस था जो कि सलमान खान से हुआ, वो उनका कहना ये कि सलमान खान माफ़ी मांग ले, सलमान खान मंदिर चले जाए, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन सलमान खान तो कहता है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैंने तो
किया ही नहीं। मैं तो आज फिर बोलना चाहूंगा, अगर ये वीडियो सलमान भाई तक पहुंचे, वैसे तो पहुंचने से रही, मंदिर में जाके एक बार माफी मांग लीजिए, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। उस बंदे ने आपसे कोई फिरौती नहीं मांगी, कोई रुपया नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा है, बस उसने अपनी आस्था का सम्मान आपसे मांगा है, आप उसकी आस्था का सम्मान कर लीजिए, बात यही खत्म हो जाएगी। उस बंदे ने क्लियरली, उसका इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें वो क्लियरली कह रहा, अगर सलमान खान हमारे मंदिर में जाके माफ़ी मांग लेगा ना, तो हम उसको माफ़ कर देंगे। देखिए, मुझे आज इस टॉपिक का पता चल रहा है, मैंने 2-3 इंडिया के इंटरव्यू सुने हैं, मुझे 1-4 घंटे में बात सारी समझ आ गई, क्लियर होगी कि क्या मसला है। तो जिसके साथ हुआ हुआ है, जिसने ये काम किया है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही। अगर देखें ना, सलमान खान एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों पे अब लोग गन डालेंगे, ठीक है, वो कहेंगे मुसलमान है ही ऐसे हैं, ये दूसरे के समाज को अपना तो ये सारा मनवाते हैं, ठीक है, और हमारे मतलब है कि देखें, अगर सलमान खान को नहीं पता था, ठीक है, बिलफर्ज नहीं पता था, उसने वहाँ पे शिकार कर लिया, उसको नहीं पता था कि ये इस समाज के लिए क्या अहम है, वो अपने उसको भगवान का दर्जा देते हैं, अगर चलो जी उसको नहीं पता था, मान लिया जी पता, मगर 27 सालों में उसको पता ही नहीं चला, 27 सालों में तो उसको, साल से केस चल रहा है, तो वो तो उस उन बेचारों का सब्र है कि उनके वो अभी तक वो अपनी गवर्नमेंट के इंतजार कर रहे थे, मगर अब इनफ हो गया ना उनकी तरफ से, अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा, अगर मतलब है कि उसने ना भी किसी ने अटैक किया, हो सकता है तीसरी ताकत सलमान खान को ख़त्म कर दे, तो सारा मुद्दा मुसलमानों पे पड़ेगा। सलमान खान से गुजारिश है कि देखो, जिस मुल्क में इंसान खाता है, जिनका खाता है उनका गाता है, तुम्हें उस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, ठीक है, मुसलमानों को ने जितनी आपको इज्जत दी है, जितना आपने अभी तक हिंदुस्तान में हिंदू भी आपकी इज्जत करते हैं, अभी तक हिंदू सारे तो नहीं, मगर 80% मेरे हिसाब से अभी भी सलमान खान के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं चल फैन है अभी, जो आपको जब इतनी इज्जत देते हैं तो आपका इतना दिल मर गया, आपको ये एहसास नहीं है कि भाई हम आपसे गलती हुई है, आप उसकी गलती की माफ़ी मांग लें, आपका क्या जाएगा, आप तो इसीलिए आपको जो चमचे हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, आपके लोग यही कह रहे हैं ना जी, आप इतने अमीर आदमी हैं, क्या हिरण का केस है, कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं होगा। ओ भाई, 27 साल में अगर इतना बड़ा लावा नहीं फटा ना, जब लावा फटता है ना, एक दफा ही फटता है, अब ये लावा फट जाएगा, मगर ये तो देखे ना कि मुसलमान के एक बंदे की गलती है, उसको माननी चाहिए, देखे उसको अपनी गलती माननी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको बिल्कुल आधे घंटे का इंटरव्यू देना चाहिए, उसको कहना चाहिए ठीक है जी, मुझसे गलती हुई है, मुझे इस मुल्क में मुझे उनके एहतराम करना चाहिए था, मुझे नहीं पता, मुझसे अनजाने में हो गया है, तो यकीन करें कि वो लोग इसको माफ़ कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, इस वक्त जो है इंडिया में, अगर मुंबई की बात करें, दाऊद इब्राहिम के बाद जो है उनका नाम बोला जा रहा है, गैंगस्टर के रूप में कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ लोग हीरो के रूप में मानते हैं, लेकिन जो सनातनी है, जो हिंदू है, उनका ये कहना है कि इसने किसी मासूम बंदे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने उन लोगों को टारगेट किया है जिसने कभी भारत को नुकसान पहुंचाया या सनातन धर्म को। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो उसके बाजू पर प्रॉपर टैटू है जो है भगवान राम का, जो अपने सनातन के लिए पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, तो इस वक्त तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें तो सलमान खान फैमिली की बात करें, उनके फादर की बात करें, तो वो आज भी, जैसे सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा ली है कि मैं बच जाऊंगा, और इतना बड़ा थ्रेट है कि कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बात भी नहीं कर रहा, मतलब उनकी पावर देखिए, वो तो खुद जेल में बैठे हुए हैं, कितना बड़े वो स्टार बन चुके हैं। देखें, अगर सलमान खान बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बच भी जाएगा, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट को उनको सिक्योरिटी भी देगी, क्योंकि हिंदुस्तान का तो यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हिंदुस्तान आज तक इसीलिए तरक्की करता जा रहा है कि हिंदुस्तान अपने मुल्क में माइनॉरिटी को बहुत तहफ़ देता है। अच्छा, ठीक है ना, उसकी इज्जत करता है। अभी देखें, हिंदुस्तान को तो चाहिए उसको कोर्ट में जल्दी उसके खिलाफ फैसला देता। और अभी लेटेस्ट GTV की टीम वहाँ पर गई भी थी, उस मंदिर के अंदर जिस मंदिर में माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा है, वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं अगर सलमान खान यहाँ पे आके माफ़ी मांग लेंगे तो हम माफ़ कर देंगे। जब ये विष्णु समाज के लोग अपना हृदय खोल के इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं तो सलमान खान को भी थोड़ा सोचना चाहिए और इस कॉन्ट्रोवर्सी को जितना हो सके ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये सलमान खान के लिए ही अच्छा रहेगा। उस बंदे के लिए क्या बुरा हो सकता है, वो जेल में है ऑलरेडी, और उससे आगे उसको कहाँ जाएगा, वो काले पानी की सजा तो आजकल हमारे देश में मिलती नहीं है, वो पहले भी जेल में था, आज भी जेल में, और जब तक हमारा कोर्ट चाहेगा वो जेल में रहेगा, चाहे वो 1 को मारे चाहे 10 को मारे, सजा उसको उतनी काटनी है। तो सलमान भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप क्यों टेंशन में आ रहे हो, क्यों इतने सारे बॉडीगार्ड लेके घूमने पड़ रहे हैं, क्यों आपको बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमना पड़ रहा है, और ऐसी गाड़ी है भाई के पास में जो हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च भी नहीं हुई है अभी तक, इनका आधा परिवार तो टेंशन में रहता होगा, पता नहीं कब कौन सी गोली कहाँ से आ जाए। तो इस मामले
मामले को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर सलमान भाई के किसी फैन तक पहुंचे, आसपास के लोगों तक पहुंचे, अगर ये बात पहुंचती है तो आप उनको कन्विंस कीजिए, उनको समझाइए कि माफी मांग ले और चैप्टर को खत्म करें। बाकी लॉरेंस बिश्नोई का साथ मैं इसलिए भी देता हूं कि भाई के नाम से खालिस्तानियों की फटती है और खालिस्तानी हमारे देश का कभी भी अच्छा नहीं चाहते। और जिन गद्दारों की मैंने बात की थी, मैंने गद्दार शब्द उन्हीं के लिए बोला था। तो अपना सपोर्ट है लॉरेंस भाई को, लगे रहो मुन्ना भाई। और हाँ, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने आपके भाई को बर्थडे विश किया, उन सबको भी मेरी तरफ से सादर प्रणाम और धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।